दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। आपको पता है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाने के बाद बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक होती है, तो वो ना ही रिहैब ज्वाइन कर पाते हैं, ना ही वो इक्विपमेंट अच्छे से खरीद पाते हैं। दोस्तों मैं भी स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट हूँ और एज ए स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट मुझे पता है कि स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट की क्या कंडीशन होती है और उनके पास इक्विपमेंट नहीं होते तो वो किस तरह से जूझ रहे होते हैं। तो मेरी हमेशा ट्राई होती है कि किसी ना किसी तरह उनकी हेल्प की जाए। और दोस्तों मैंने ग्रुप में भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देखकर। और हमने ग्रुप इसी पर्पज़ के लिए बनाया है कि सारे पेशेंट की हेल्प की जाए। लास्ट टाइम हमने इसी प्रकार एक वीडियो बनाया था बॉक्स ऑफ हैप्पीनेस धर्मेंद्र को लेकर, तो आज उनकी लाइफ काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है, वो अपनी दुकान पर काम करने लगे हैं और हम दूसरा वीडियो इसी तरह का लेकर आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये पेशेंट भी एक आध साल में अपना काम करने लग जाए। दोस्तों ये रहे सारे इक्विपमेंट्स जो हम नरेश भाई को देने जा रहे हैं। नरेश भाई के रिगार्डिंग मैं बता दूं तो एक महीने पहले मुझे उनका कॉल आया, मैं उनसे मिलने चला गया, तो वहाँ जाके मैंने देखा कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही वीक है, वो शादीशुदा है, दो बच्चे भी है, तो मुझे किसी तरह लगा कि उनकी हेल्प की जाए। लेकिन दोस्तों मैं भी स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट हूँ तो मैं सबकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, तो किसी तरह मैंने ये बात अपने दोस्त के आगे रखी तो वो उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो गया और ये सारा फाइनेंशियल का कॉस्ट उन्हीं ने उठाया है। तो चलिए हम नरेश भाई से मिलने जाते हैं। इस काया का है भाग भाग बिन पाया नहीं जाता, पाया नहीं जाता, पाया नहीं जाता। इस काया का है भाग भाग बिन पाया नहीं जाता, कर्म बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता, कर्म बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता। कहे सतनाम जगिए, कहे सतनाम जगिए, झूठा जमेला, झूठा जमेला, दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला। अच्छा एक महीने पहले मैं आपके घर पर आया था, बहुत ही मायूस थे, जैसे उम्मीद ही खो बैठी थी, इस तरह से आप रिएक्ट कर रहे थे। और इस बार आया तो काफ़ी आप डिलाइटेड लगे मुझे, बहुत ही आप खुश लगे, तो क्या फ़र्क पड़ा है ऐसा तो कि आपको इतनी खुशी हो रही है, यानी उस बारे में मैं जानना चाहता हूँ। आप एक महीने पहले बात आया तो हमको बहुत अच्छा लगा, आपको भी देख के बहुत अच्छा लगा, आपका वीडियो हमने देखा, आपकी कंडीशन ऐसी थी तो मैंने भी सोचा ये निखिल भाई का ऐसी कंडीशन थी तो मैं भी ऐसे करके मैं भी खड़ा हो जाऊँ। तब आप एक्सरसाइज करते थे पहले? नहीं पहले नहीं करते थे हम, तो वो एक साल एक डेढ़ साल तक तो एक्सरसाइज नहीं की, नहीं किया हम। और एक महीने से कितनी कर रहे हो आप एक्सरसाइज? एक महीने से 6 घंटे में डेली में कसरत करता हूँ। डेली करते हो? हाँ। तो मूवमेंट आई है? हाँ मूवमेंट बहुत आई है, बहुत मूवमेंट आई है। अगर पहले से करते तो काफ़ी मूवमेंट आ जाती है, खड़ा हो जाता मैं पहले से। तो डॉक्टर ने मना किया था, कुछ कसरत की कुछ अवस्था है नहीं है अभी, ऐसे हमने उसके भरोसे बैठे, फिर हमने विपुल सर के पास गए हम, न्यूरोसर्जन, वो न्यूरो सर, उसने आपका एड्रेस दिया, आपका नंबर दिया, फिर बातचीत हुई, आपका कॉन्टेक्ट से हम सामने सामने फ़ोन पे बात हुआ, फिर आपने हमने हमको आपको घर पे हमने बुलाया, फिर मैंने सोचा आपकी कंडीशन वीडियो देखा, मैंने सोचा ऐसी आपकी कंडीशन थी, फिर मैंने सोचा मैं भी खड़ा हो जाऊँगा, फिर मैंने ये सोचा तो निखिल भाई का सर है उसका वीडियो देख के जो 2016 से मार के 20-25 से 2021 हुआ, हाँ 21 से जब वीडियो देखा मैंने थोड़ा बहुत उम्मीद लगी आई है हमको। दोस्तों मुझे एक बात ये बहुत अच्छी लगी कि जब मैं उनसे मिला तो ये एक्सरसाइज करने के लिए इतने रेडी हो गए, उनको यानी कि बताया कि मैं कितना भी टाइम लगे मैं एक्सरसाइज करके मैं जल्द से जल्द खड़ा होना चाहता हूँ बस किसी भी तरह। तो इस तरह से मुझे यानी कहीं लगा कि उनको किसी भी तरह अगर ये सारी हेल्प की जाए तो काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है इसमें। तो अब आप तैयार हो एक्सरसाइज और करने के लिए? बहुत कोशिश कर दिया है सारे वीडियो, बहुत कसरत करने के लिए तैयार हूँ मैं, जितना मैं जल्दी जितना कसरत मैं करूँगा ना इतना जल्दी खड़ा हो जाऊँगा मैं। और अपनी फैमिली के लिए, अभी फैमिली छोटी है मेरी, अभी कुछ सहारा है नहीं, सब मेरे पे उम्मीद थी तो मैं जल्द जल्द मैं खड़ा होना चाहता हूँ। क्या करते थे पहले? पहले छोटा मोटा काम कर रहा था कंपनी में, घर से ऐसे थोड़ा काम निकल जाता था, खाने पीने संसार चला जाता,
अब क्या करें, ऐसी उम्मीद आ गई, अचानक ऐसा हो गया, फिर मैंने सोचा उम्मीद छोड़ दी, तो क्या करो अब मेरे फैमिली का क्या होगा। ये मकान आपका खुद का है? नहीं, भाड़े पे रहता हूँ मैं। दोस्तों पहले मैं जब मिलने गया था तो भी वो रेंट पे दूसरी जगह रहते थे, तो मैं बातचीत चल रही थी तो मुझे पता चला कि उनका मकान मालिक उनको घर से निकालने पे तुले है। तो मुझे ये बहुत बुरा लगा था कि भाई जब पेशेंट की ऐसी कंडीशन है, रेंट पे रह रहे और मकान मालिक भी तुला हुआ है कि भाई वो घर से जल्द चले जाए, अभी वे दूसरी जगह आए, ऐसी जगह है कि शायद ये कभी ऊपर नीचे तो नहीं जा पाएगी। आपको मैं बताऊंगा किस जगह पे अभी रह रहे तो, और रेंट पे रह रहे, तो आप समझ सकते हो कि भाई जब पेशेंट की बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है, कमाई रुक जाती है, एक तो रेंट पे रहते हैं तो कैसे यानी सर्वाइव करते हैं ये, तो आपको ये कैसा यानी कि अभी सर्वाइव कैसे कर रहे हो आप? अभी क्या करे, कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं थोड़ा भी उसके हाथ में हाथ पे हाथ मदद करवा देता हूँ, थोड़ा 6 घंटा कसरत करता हूँ, थोड़ा लंच पार देता हूँ 1/2 घंटा 20 मिनट, फिर उसके बाद कसरत चालू कर देता हूँ। बच्चे की पढ़ाई, स्कूल का ट्यूशन व्यूशन सब खर्चा बहुत बढ़ जा। कितने बच्चे? मेरे 2 बच्चे है, एक बड़ा वाला 16 साल का है और एक छोटा वाला 14 साल का है। वो बड़ा वाला 11वीं में पढ़ता है और ये छोटा वाला 9वीं में पढ़ता है। दोस्तों ये उनकी वाइफ है रेखा बहन, बहुत हेल्प कर रहे हैं 1 महीने से उनकी, तो उनसे ही पूछते हैं कि भाई क्या क्या फ़र्क पड़ा है उनको और कैसे किस तरह से वो सर्वाइव कर रहे हैं। हम नहीं निखिल भाई, आपने जो जो हमको बोला था कसरत करने के लिए वो करे तो आपको ज़्यादा महसूस होगा वैसा करने का, तो हमने ऐसे ही कसरत की। हमने उसके पैर है उसके जो पंजे हमने हिलाना ज़्यादा रखा, दिन में 4-5 घंटे हमने उसके ही एक्सरसाइज किए और कमर की हमने एक्सरसाइज ज़्यादा करवाई उसको। आपको जो पेशाब की नाली निकालनी है उसलिए कमर हमको उसकी ऊंची नहीं हो रही थी और हमने उसकी कमर ही हमने ज़्यादा ऊंची करवाई, तब तो ये 10-15 सेकंड कमर ऊंची रख सकते हैं अभी तो। क्या बात, अब उनकी बॉडी को समझ पा रहे हैं किस तरह से उनकी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रही है वो आप समझ पा रहे हैं? हाँ, समझ पा रहे हैं। पहले नहीं थी और अब आ रही है? पहले 1 हफ्ते पहले हमने देखा था ऐसे कुछ भी नहीं था, उसके महसूस नहीं हो रहा था, पैरों में भी नहीं थे, कमर भी ऐसे नहीं थे। 1 महीने से हमने देखा ज़्यादा फर्क आ रहा है। बहुत हम उम्मीद है चलेगा, अब तक चलेगा अभी वो। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये प्यार देख करके आप, क्योंकि बहुत सारे यानी लेडीज़ को मैंने देखा है कि उम्मीद ही छोड़ देती है या तो अपने ससुराल चली जाती है, ये मेरे ये नॉर्मल है यानी ये सब, आप इनके साथ यानी इतना कोऑपरेट कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है यानी। नहीं निखिल भाई, जो मेरा पति है मेरे लिए सब कुछ है, दूसरा तो और क्या करेंगे, एक नए सवाल के दूसरे को क्या करेंगे, 2 बच्चे हैं मेरे, उसको हमको समाज में रहने का, समाज की लड़की लाने की है, तो हमको दूसरा करने का कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा घर वाला जैसा भी है मेरा घर वाला, हम मेहनत करके उसका चलता कर देंगे। क्या बात है, ये आपने जब उस बार भी बोला था कि बस मुझे एक्सरसाइज बता दीजिए मैं किसी भी तरह यानी हेल्प करके, ये 6 घंटे ने मैं तो पूरा 12 घंटा करके घर का काम भी करूँगी, मेहनत भी करूँगी, उसको चलने के लिए भी मेहनत करवाऊंगी, बहुत करवाऊंगी कि चल पाए वो उसके पैर तक। दोस्तों बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो रिहैब नहीं जा पाते, आप समझ रहे हो कि भाई फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, और इस तरह से अगर उनका पार्टनर है कोई हेल्प करवाने, बहुत फर्क पड़ता है। आपको कैसा लग रहा है आपकी वाइफ इतना हेल्प जो कर रहा है 1 महीने से? मेरे लिए तो बहुत मेहनत करती है, जल्दी जल्दी ज़्यादा जल्दी खड़ा हो जाओ तो अच्छा रहेगा, घर का थोड़ा छोटा मोटा जो काम हो वो भी घर पे के लाके में काम कर सकता, उसके हाथ के हाथ में आगे में बढ़ा सकता हूँ मैं। और मेरा कहने का मतलब ये है, बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहा है, उसका खर्चा सब मैं आजकल में महंगाई ज़्यादा हो गई, अभी कुछ घर का भाड़ा भरने का कुछ खाने पीने का कोई है नहीं कुछ, अभी क्या करे, अभी बच्चे में हमने बच्चे को कोई उम्मीद छोड़ा है, अभी मेरे प्रॉब्लम यह हो गई है, अभी मेरा बच्चों को मैं जितना भी मैं भी जल्दी खड़ा हो जाऊंगा, बच्चों को भी मैं ज़्यादा मैं पढ़ाऊंगा, उसको पढ़ा पैर पे मैं खड़ा करवाऊंगा मैं। 1 महीने पहले जब आपने बताया था कि आप एक्सरसाइज करके खड़ा होना चाहते हो, तो इस वजह से हमने ये सारी अरेंजमेंट किए और ये सारे इक्विपमेंट हम लेकर आए, हम मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ और आपको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसमें 2 सेपरेट है, इसको यूज़ कैसे करते हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये लेफ्ट के लिए है, राइट के लिए है, ये देखो कैसे कव होगा ना, तो देखना राइट के लिए है ये, आपको इसके अंदर पेन लाना है आपको पूरा का पूरा ऐसे। हाँ, इसमें क्या करना है आपको कि बहुत सारे दोस्तों पेशेंट
यानी कि ये गलत यूज़ कर रहे हैं, खाली लगा इस तरह से लगा के कुछ नहीं करते। और लेकिन आपको क्या करना है कि जब आप इस तरह से वेयर कर दो ये टोर्च ऑपरेटर, तो आपको अपना फोर्स उंगलियों दबाने में, यानी इस तरह से दबानी है उंगली, ट्राई करना है। आज करोगे तो अभी नहीं दबेगी, लेकिन 6 महीने बाद आपको फ़र्क महसूस होगा कि थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आप इसको दबाओ, आप हाँ ट्राई करो दबाने को जितना हो सके उतना, बस ये आपको करते रहना है। अब जब भी आप खाते हो, खाना खाते हो, तो ये लगा के खाना खाओ, चबाओ और ये दबाओ, है ना, कुछ इस तरह से आपको हर घंटा यानी एक आध दो घंटा ये लगा के ये ट्राई करना है कि उंगलियों में जाना है किसी भी तरह। अभी तो बिल्कुल आपके जान नहीं है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको 1 महीने बाद 2 महीने बाद धीरे धीरे उंगलियाँ का हिलना शुरू हो जाएगा। फिर आपको यानी कि रिकवरी का कोई प्रोसेस नहीं होता, कभी किसी को बहुत जल्दी आ जाती, 6 महीने में हो सके कि भाई उंगलियाँ काम करने लग जाए। उंगलियाँ काम करेगी आपकी तो ये सबसे लास्ट है यानी, तो अगर ये अच्छे से काम करने लग जाएगी, यूरिन का सेंसेशन में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, आपका यूरिन कंट्रोल भी यानी कि भाई आपको धीरे धीरे खुद आने लगेगा उसमें भी। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आप उंगली अगर अच्छे से आ जाती है तो बहुत बड़ी बात है, आपको खड़े रहने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका बहुत ज़रूरी है ये करना। तो आपको दबानी है उंगली, एक दूसरे के साथ दबानी है हर उंगली को। तो ये बीच का हमने इसलिए ये स्पेस है, ये गैप हमने पूर्व ये रखा है, टू सेपरेटर बीच में डाला है ताकि आप अच्छे से दबा पाओ। उसको ट्राई करना है दबाने के लिए, भले एनर्जी नहीं जा रही है अभी, लेकिन किसी भी तरह वहाँ पहुँचने की कोशिश करना है कि भाई किसी भी तरह आप दबा पाओ। ठीक है, घंटे करने का हाँ, दिन में कितने घंटे करने का कसरत? एक आध घंटे करोगे, जब खाना 2 टाइम खाते हैं तो उसी टाइम के पहन लेंगे तो भी चलेगा, यानी खाते वक्त ही तो आधा आधा घंटा तो हो जाएगा ना। फिर आप जितना आपको जब भी फ्री हो तो आपको बैठ के, इसमें कोई है नहीं कि जब भी फ्री हो तो बैठे बैठे ये करते, हाँ कभी कोई आपका एक्सरसाइज करके थक गए हो और फिर आपको बैठा, जैसे उन्होंने बताया कि अभी 2 घंटे भी मैं बैठ पाता हूँ, उस पर ये करेंगे तो और भी अच्छा है। ठीक है, डेली लेकिन एक आध घंटा तो आपको करना ही करना है, हाँ इसमें कोई आपका ज़्यादा एनर्जी नहीं जाएगी, ट्राई करना है, अभी तो पहुँचेगी भी नहीं। यार गर्म बहुत लगता है, अभी लगाया नहीं, मेरे को गर्म लगता है। हाँ वो तो अभी वो लगाया तो थोड़ा रिएक्ट करेगा, लेकिन ठीक है वो धीरे धीरे, पहले गर्म नहीं लगता था, गर्म लगता पैरों में, पहले महसूस नहीं होता रहा, एक महीने से उसको महसूस होने लगा। बहुत अच्छी बात है ये, तो पैरों के नीचे में उसको ऐसे भी कर चुटकी लेते भी मालूम नहीं पड़ती, अब तो सब कुछ को मालूम पड़ते भी। अभी ये मैंने दो बोल ली हुए, इसको क्या करना है आपको पैरों के नीचे रखना है यानी इसको, ठीक है, और धीरे धीरे बस इसी तरह से आपको यानी के सर्कुलेट करना है पैरों के अंदर, ये भी आपको रखना है। पहले क्या करना है आपको दबाना है सिर्फ, हाँ, पहले पैर जोर से, और ये भी ये दोनों साथ में धीरे धीरे आपको, अब धीरे धीरे एक बार एक तरफ बैठ के थोड़ा थोड़ा ऐसे नहीं आएगा, हाँ बस इस तरह से बराबर, और ये भी आपको धीरे धीरे दबाना है, बहुत ही शांति है। फिर धीरे धीरे इसके साथ आपको खेलना है, यानी आपको टाइम पास करने के लिए थोड़े थोड़े इधर उधर ये, क्योंकि बहुत सारे आपके यहाँ जो लेयर्स है प्लांटर लेयर्स है नीचे वाले, वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उसमें स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ये भी आपको टो सेपरेटर की तरह, जब भी आपको फ्री टाइम हो तो नीचे बॉल रख देना है और ट्राई करना है इसे दबाने को, तो हर हिस्से को दबाने को ट्राई करना है। इसकी वजह से आपका क्या है, एंकल में अलग से स्ट्रेंथ आएगी। देखो अभी क्या है, इनके पैर में आपको ये समझना पड़ेगा कि जितना ज़्यादा करेगा, जैसे ये देखो इतना फुट ड्रॉप इतना है, दिख रहा है ये, देखो मेरा इससे भी ज़्यादा है देखो, ठीक है, तो इनकी आने की उम्मीद मुझसे कहीं ज़्यादा है, आप देख सकते हो ना। अब पहले मैं भी यानी कि अभी देखो स्ट्रेंथ कैसी है कि मैं ऐसे इस तरह से बॉल से जैसे करता हूँ तो ये देखो कितना इजीली मैं कर पा रहा हूँ, इतना ज़्यादा फुट ड्रॉप होने के बाद भी इतनी एक्सरसाइज करता हूँ तब जाकर मैं चल पाता हूँ। ये सब ऐसा नहीं है कि ये सालों की मेहनत है, बहुत साल मैंने किया तब जाके इस तरह से मैं कर पा रहा हूँ। अब देखो हर अब इनको जैसे मेरे से भी कम है, लेकिन आप करवाओगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो होगा, आप करो ट्राई, देखो हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन जितना ज़्यादा बने यहाँ प्रेशर ज़्यादा देना है, ठीक है, उंगलियों में भी, उंगलियों में ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रेशर देना है ताकि आगे जाके इसमें स्ट्रेंथ आ पाए। तो क्योंकि हमें क्या है कि इसी पंजे पर यानी कि ये 1 किलो का पैर है उस पर पूरी बॉडी टिकानी है, तो इसमें जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी वो बॉडी का वेट ले पाएगी। तो ये इसको बहुत 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 ज़्यादा एक्सरसाइज करके बनाना है, जैसे जैसे ये एक्सरसाइज करोगे
स्काप मसल्स पर भी असर आएगा, ये बनने शुरू हो जाएगा। ये देखो कितना ढीला है अभी, अब देख सकते हो ना। अब ये देखो, अब टच करके देखोगे तो ये जैसे जैसे करोगे ऐसे ऐसे धीरे धीरे टाइटनेस बढ़ेगी काप मसल्स की आपकी, ठीक है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है, जब भी फ्री पड़ो ये बॉल रख के टो सेपरेटर दो चीज़, ठीक है। फिर जैसे जैसे ये आता जाएगा, दूसरे बहुत सारे हमने इक्विपमेंट लिए उसमें फ़र्क आता जाएगा, वो भी होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ एंकल एक्सरसाइजर, ये एंकल एक्सरसाइजर है। मैं जब लाया था ना, मैं खुद के लिए जब मैंने 4 साल पहले मैंने लिया था, तो मुझसे ये हो ही नहीं रहा था, यानी पैर रख के पता भी नहीं चल रहा था, लेकिन अभी काफ़ी इससे अच्छे से हो रहा है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि शुरुआत में ये सारे इक्विपमेंट्स कंफर्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन धीरे 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 सारी चीज़ें होने लगेगी आपको। और काफ़ी अच्छी रिकवरी 1 महीने में तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई इतना रिकवर हुआ है। और इनको काफ़ी, यानी मुझे लगता है कि 1 साल में तो बहुत अच्छे से चलने लगेगी, इंडिपेंडेंट हो ही जाएगी। और हम उनका दूसरा वीडियो भी बनाने वाले जब इंडिपेंडेंट हो जाए तो। अब इस पे पैर रखो, ठीक है। निखिल भाई वो पलंग नीचे है तो कुर्सी पे बैठ के कर सकेंगे? हाँ, कहीं भी बैठ के कर सकते हो, कुछ चेयर पे ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा उनको, क्योंकि यहाँ पे तो शायद थोड़ा नहीं हो पाएगा। चेयर पे बैठेंगे तो थोड़ा पैर भी है उनका ऊपर रहेगा। इसको क्या है कि पहले आपको वन साइड ही करना है, ऐसा नहीं कि एक बार ऐसे किया फिर एक बार ऐसे किया, ऐसे नहीं। अगर ऐसे कर रहे हो तो इसी तरह, यानी एक दिन ऐसे ही करना है, क्योंकि हर पोर्शन पर आपको रिपीटेशन बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो दोनों करोगे तो शायद आपका दिमाग समझ नहीं पाएगा। तो आपको ये करना है, तो ये बहुत अच्छे से हो रहा है, देखो गुड, ठीक है। अभी ऐसे हो रहा है तो ये इसी तरह करना है, फिर एक दिन आपको ले लेना है इसी तरह, जो भी आपको आधा घंटा 15 मिनट जो भी आपको कंफर्टेबल लगे कि भाई आपको जब फ्री पड़े तो ये आप धीरे धीरे करते रहना है। फिर आगे जाके ये क्या है, इस तरह से आगे 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 ले जाना है, बराबर। हाँ गुड, थोड़ा नीफ आए तो आप हाथों का सपोर्ट करके थोड़ा करवाइए, तो क्या है कि 1-2 महीने में होने लगेगा इससे, ठीक है। फिर जितना जा पाए ज़्यादा धीरे धीरे नीचे तक जाना है, लेकिन अभी इतना ही आएगा, थोड़ा थोड़ा उस तरह थोड़ा थोड़ा ही करना है, ठीक है। तो ये एंकल एक्सरसाइजर है, इस तरह से यूज़ करना है, थोड़ा चेयर पर बैठेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। प्लैंटर फ्लेक्शन के लिए, यानी कि आपके पंजे को ऊपर लाने के लिए और नीचे ले जाने के लिए भी है, ये दोनों, ये बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। ये मैंने खुद बनाया है ये दोनों साइड, ताकि वो अच्छे से प्लैंटर फ्लेक्शन और डोर्सिफ्लेक्शन की एक्सरसाइज कर पाए एंकल की। तो ये मैंने लगवाया है, खुद ही लगवाया है, यहाँ बाज़ार में आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह की स्ट्रिप फुट ड्रॉप स्प्लिंट में मिलती है, तो अगर वो आप यूज़ कर पाओ तो इस तरह से आपको लगा देना है। और अभी हम इसका यूज़ बता देते, ये बीच में रहना चाहिए, को ऐसे रखो, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको, धीरे धीरे डोर्सी फ्लेक्शन के लिए, क्योंकि ये अपने आप तो ऊपर नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे ये सिचुएशन जैसे मेरे ये आ रहा है, देखो ये थोड़ा ऊपर हो रहा है, ये इसी की वजह से आ रहा है, वरना ये पॉसिबल नहीं है कि इतने फुट ड्रॉप में ऊपर आए। तो आपको क्या करना है, ये इस तरह से धीरे धीरे खींचना है ऊपर आपको, कि थोड़ा थोड़ा ऊपर, हाँ बस थोड़ा थोड़ा इसको ऐसे हो, तो अभी अभी इधर नहीं होगा, तो ये क्या करना है, इधर रखो आप थोड़ा यहाँ पर, और इसको पैर को थोड़ा, फिर धीरे धीरे पास ले जाना है, लेकिन वो 1-2 महीने के बाद। हाँ, इस तरह से आपको पहले करना है, इस तरह से गुड। फिर धीरे धीरे ऐसे ज़्यादा होने लगे, फिर आपको धीरे धीरे पास लाना है पैर को, भी हाँ पीछे ले जाना है, लेकिन अभी पीछे ले जाओगे तो बहुत दिक्कत आएगी करने में। तो क्या आपको इस तरह से प्रैक्टिस करें, ये डेली, यानी कि आपको हाफ एन आवर भी करोगे तो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इस तरह से अब दूसरा भी, अब मैं आपको बता देता हूँ सो जाकर कि किस तरह से आप किया जाता है। हाँ, इसको खींचना है और पैर को पीछे ले जाना है, पीछे ले जाओ पैर, फिर वापस थोड़ा, फिर खींचो, फिर ठीक है। और ऐसे ऊपर भी कर सकते हो, ये थोड़ा ऊपर आए ना, हाँ ऊपर करके भी आप कर सकते हो, अगर ये पैर ऊपर रह रहा है तो, हाँ रह रहा है तो आप कर सकते हो, थोड़ा खींच कर थोड़ा ऐसे ऐसे, तो जितना आप पहले नीचे करोगे ज़्यादा जैसे जैसे ताकत बढ़ेगी ऐसे होने लगेगा धीरे धीरे, लेकिन ये पैर सीधा रहना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर रखना है, ठीक है, इसको सीधा रख के, हाँ फिर नहीं, ठीक है, ओके ओके, दोनों पैरों में इस तरह से करना है। बैलेंस बोर्ड है,
बैलेंस बोर्ड दोस्तों, तो ये थोड़ा यानी छोटा आ गया है, हम इसको दोबारा एक अलग से बैलेंस बोर्ड देंगे उनको, लेकिन फिर भी ये भी थोड़ा यूज़ तो आएगा उनको, तो आपको ये वाला परचेज़ नहीं करवाना है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूसरा बता देता हूँ, वही आप परचेज करना। यहाँ आपके दोनों पैर या पैर रख दीजिए अभी। हाँ, धीरे 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 आपको इस तरह से ये पैर सीधे रहने चाहिए आपके, ठीक है, ऐसे बैलेंस करो पहले। हाँ, धीरे धीरे ऐसे ये खड़े रहकर करना है, लेकिन अभी तो वो नहीं कर पाएंगे, तो ये टाइम लगेगा, एक आध साल लग जाएगा शायद, ठीक है, लेकिन अभी आप इसमें यूज़ कर पाओगे। हम दूसरा भी एक गोल वाला भी देंगे जिसमें आपको ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, लेकिन अभी देखिए एक मिनट ले लीजिए ये पैर, इसको इस तरह से आप आगे पीछे करो, ठीक है। हाँ, ये आगे पीछे कर सकते हो सके तो दोनों पैर भी आप कर सकते हो, ये दोनों पैर रखकर, हाँ आ जाएगा, गुड। हाँ ठीक है, आपको हाथ से करवाना है, ठीक है, धीरे धीरे वो एक आध 15-20 दिन में तो उनको प्रैक्टिस पड़ जाएगी इस तरह से करने की। रोप एक्सरसाइजर है, आपने देखा होगा रोप एक्सरसाइजर जो विंडो पे यहाँ पे लगा कर करते हैं। हाँ। वो आपको साइड लाइन लेग रेज अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसको लगा के आप कर सकते हो। इसमें आपको पैर है ना वो लगाना है। हाँ। फिर इसको विंडो से लगाना है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। और ये हाथ से धीरे धीरे एक हाथ से खींचना है जो मैंने बताया था ना, तो ये दोनों इस तरह से दोनों पैर को आप लगा सकते हो, लेकिन आपको ट्राई करना कि एक यानी साइड लाइन लेग रेज में उनको हाँ। प्रॉब्लम है तो वही करवाना है, ठीक है, तो वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद समझा देता हूँ किस तरह से करवाना है। आप जानते हो मेरे वीडियो में देखा होगा आपने किस तरह से यूज़ करना है, पोर्शन पैर में लगाना है और ये हाथों से धीरे धीरे ऊपर खींचना है, ठीक है, मैं आपको। और ये वाला पोर्शन जो आपको हुक है यानी कि विंडो में आप लगा दोगे कहीं भी, ये वाला बराबर, तो सीधा आ जाएगा। फिर इसको ऊपर नीचे पैर करना है, कोई करने वाला नहीं है, जैसे आप नहीं हो और आप नहीं करवा रहे हो एक्सरसाइज, तब ये यूज़ में आता है एडेक्टर मसल के लिए, यानी कि ये साइड ये मिडिल मसल होते हैं बराबर एडेक्टर, उसको स्ट्रेंथ लाने के लिए है ये। ये बेपक पड़ा कर दो एकदम, आना अब राखी ना, हाँ गुड बराबर, आए थे इस तब सूता सूता अपना कर ही सको बराबर सुई जाइ ने, गुड गुड ठीक है। इससे ये मिडिल मसल्स में एनर्जी ज़्यादा आएगी, इसमें बहुत फर्क पड़ेगा मिडिल मसल्स में, ये हैमस्ट्रिंग मसल्स भी इसमें फ़र्क पड़ेगा और ये ग्लूट्स मसल पर भी इसमें थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। अगर यहाँ से कर रहे हैं तो इसमें ग्लूट्स मसल पर असर आएगा यानी यहाँ। ये बेल्ट है आपको, एक लुम्बर सेक्रल बेल्ट है और एक आपको चलने के अंदर काम आएगा, एक दूसरा बेल्ट हमने बनवाया है। ये ठीक है, ये कमर पे पहनने के लिए, जब भी कोई एक्सरसाइज कोई बड़ी कर रहे हो आपको ये इस तरह से पहनना है, ठीक है, ताकि ये पोर्शन आपका सीधा रहे स्पाइन, ठीक है। और ये एक सेफ्टी बेल्ट है, जैसे आपको कहीं ले जाना हो उनको बराबर, तो ऐसे जैसे ये पहना दिया इसको आपने, और एक्सरसाइज करवाते वक्त भी आप उनको उठाना हो, जैसे बिठाना हो तो भी आप सेफ्टी बेल्ट पकड़ के उठक बैठक सीट टू स्टैंड करवा सकते हो, ठीक है, यहाँ से आप पकड़ के उठा सकते हो, हाँ। दो साइड आप पकड़ोगे, हाँ दो साइड, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कि कहीं ले जाना उनको कि भाई स्टैंडिंग आपको एक्सरसाइज करवानी है चलाने की, तो, हाँ। तो दो तरह से आप पकड़ोगे तो आपको इनके पैरों पे वजन जाएगा, हाँ। तब उस हाँ तो उस तरह से आप करो, फिर आप सीट टू स्टैंड यानी कि आपको उठाना है सीट टू स्टैंड करवानी तो आप पकड़ के उनको खड़ा कर सकते हो आप उनको, अगर एक्सरसाइज कर रहे सीट टू स्टैंड, तो वो मैंने एक एक्सरसाइज में बताया हुआ है, तो मेरे वीडियो में आपको भी दिखा दूंगा, ठीक है, तो उस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करवानी है। और कहीं भी ले जाना है, जैसे अब सीढ़ी भी आपको चढ़वानी है तो ये इसकी हेल्प से आप धीरे धीरे करके पकड़ सकते हो, हाँ। ये एंकल एक्सरसाइजर है, अब इसमें क्या है कि अभी आपकी इतना एनर्जी नहीं है तो ये ऊपर रखना है, ठीक है, पहले तो आपको जल्दी ज़्यादा होगा, जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी धीरे धीरे इसको इस तरह से नीचे लाना है,
ठीक है, अभी आप ऊपर रखना है, ठीक है, अभी स्ट्रेंथ नहीं है तो, क्योंकि नीचे हार्ड पड़ेगा, ऊपर आपको इजी पड़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी धीरे धीरे धीरे, इसको नीचे लेता है, नीचे ले, तो ये आपको अभी यहाँ पर लॉक कर देना है, तो अभी अपनी स्ट्रेंथ थोड़ी कम होगी तो आपको ऊपर ही रखना है। हाँ गुड, कुछ आ रहा है, हाँ इस तरह से, ठीक है, तो ये दीवार पर वहाँ पर टिका के रखना है, फिर आपको करना है, फिर अपने आप भी होने लगेगा, एक महीने में तो यहाँ होने लगेगा, फिर जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी वह धीरे 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 नीचे आना है, ठीक है, ये अच्छा है कि हो रहा है उनसे, तो स्ट्रेंथ अच्छा लगता है। नहीं नहीं अभी अब 6 महीने में बस मेहनत करो, बस बाकी सब अच्छा ही अच्छा है फिर। गुड, ये सैंडवेट है, ये मैंने खुद नहीं बनाई है तो, और बहुत ही अच्छे से, यानी कि आपको बहुत काम आएगी ये, जितना भी आप आगे वेट बढ़ा रहा हो तो उतना बढ़ा सकते हो आप, इस तरह से हमने बनाई है, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों अमेजोन पर जो सैंडविच आती है वो बहुत ही यानी फट जाती है, तो मेरे तो 15-20 फट गई थी, मैंने बताया था आगे, इसलिए मैंने खुद ही बनाना चालू किया, और इसमें हमने ये अभी जो बनाया है तो आप देख सकते हो कि ये चैन से बनाया है, और इसमें हमने थोड़ी मिट्टी डाली हुई है इसके अंदर, आप चाहो तो इसमें आयन के जो भी आपका पार्टिकल्स भी डाल सकते हो वजन बढ़ाने के लिए, और इसमें काफ़ी जगह है आगे जाके कि वो चाहे तो, अभी ये 3-3 kg की है, उसमें जैसे जैसे उनके स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी आप इसमें ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है, कुछ भी कि आप ऐड करोगे तो ऐड होता जाएगा, और इसमें ऐड करके इसमें डाल देना है, दोनों में सेम रहना चाहिए। और ये चेन बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बनाई है, शायद इनको 5 साल तक तो कोई इसमें कुछ भी, मैं खुद भी यही क्वालिटी का यूज़ करता हूँ, तो क्लोथ बहुत ही बढ़िया हमने डाला है इसमें और खुद ही बनाई है, आप समझ सकते हो कि भाई कितने बढ़िया है, यानी कि अमेजोन से तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, यानी आप मैं जो ईट आती है नहीं, हाँ ब्रिक से बांध के मैं खड़ा करता था, नहीं नहीं अब कोई करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको देखो या हाँ लेक एक्सटेंशन की भी कर सकते हो धीरे धीरे, हाँ हाँ अभी पूरा तो नहीं हो रहा है लेकिन धीरे धीरे करो, इसमें अभी नहीं अभी मत करो, वो मैं बताऊंगा आगे क्या करना, पहले इसको उठाना है हिप का, ठीक है, हाँ ये 3 नहीं तो हाथ से करना है, ठीक है, हाँ तो फिर आपको ये और फिर ये वाली 1, 2, 3 ये, ठीक है, ये हिप का है, थोड़ा रोटेशन का है हिप, एक्सटर्नल इंटरनल, तो लेकिन ये वाली आपको करनी है, ठीक है, ये एबडक्टर की है, ये एबडक्टर की है, ये थोड़ा पास आ रहा है थोड़ा दूर जा रहा है, ठीक है, फिर एक रोटेशन, फिर आपको ये वाले में भी वही करना है, हाँ बाजू यहाँ पास, एक उठाने की करनी है, देख एक ये वाली उठाओ, हाँ 1, 2, 3 ये हिप फ्लेक्शन की है, ठीक है, फिर ये थोड़ा दूर ले जाना है, ये एबडक्टर और ये एडक्टर और ये एडक्टर, फिर आप अभी एक्सरसाइज करके ये पावर जनरेट कर दोगे तो अपने आप खड़े रह पाओगे और चल पाओगे, और आपका काफ़ी अच्छा है कि भाई 1 महीने में तो मैंने बहुत देखा है कि भाई फर्क पड़ा है। इस महीने में आपने बताया इस तरह का वीडियो देख के आप इतना जैसा कसरत करोगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को इतना कम से कम 25-30 तक मेरे को एहसास हो गया है, तो अच्छा लगा, थोड़ा महसूस भी होने लगता है। आपका वीडियो देख के मेरे को अभी आपका जो लेग है और ज़्यादा कसरत करूँ मैं, आपको साइड लाइन लेग रेस जो अभी आपने बताया कि भाई जो पहले नहीं था और अभी आया, मैंने खुद देखा तो वो मुझे बताओ, तो यानी इनको भी पता चले हमारे सारे व्यूअर को कि भाई देखो इनका ये फटाफट, बहुत सारे ऐसे पेशेंट है जिनको बहुत अच्छे से रिकवरी आ सकती है लेकिन उनको पता ही नहीं क्या करना है, जैसे आपको नहीं पता था, बैठे रहे थे और सोच रहे थे कि कुछ भी नहीं होगा यानी कि भाई, लेकिन अब आपको यानी कितना फर्क पड़ा 1 महीने में, और ये सब एक्सरसाइज करोगे तो 6 महीने में आप ही सोचो 5 महीने में भी खड़ा हो जाएंगे, क्या बात है। बहुत आप हंसते हो तो बहुत अच्छे लगते हो, पहले तो रोते थे यानी मैंने देखा था आप रो रहे थे उस टाइम पे, यानी कि कोई इतने मायूस थे कि हमने आपको देखा ना, हमको उम्मीद आ गई कि हम वो भी चल पाएंगे, अब तो नहीं वो उम्मीद ही हमने छोड़ दी थी, नहीं चल पाएंगे, और डॉक्टर सर ने बोल दिया था ऐसा, सब पैसा हमारा बर्बाद हो गया, फिर भी 6
छेले उसने जॉब ऐसा छोड़ दिया कि बस इसकी मूवमेंट ऐसे ही रहेगी। अब कितना खर्चा हुआ अब तक आप? 60-60 लाख हो गया मेरा खर्चा। दोस्तों आप समझ सकते हो कि ये फैमिली यानी रेंट पे 7.5 लाख किस तरह से उन्होंने गैदर किए होंगे पैसे। हाँ। खुद के पास तो नहीं होंगे, मैं नहीं, मुझे पता है कि भाई बाहर से लेकर और इस तरह से सर्वाइव करते हैं तो वो सब खर्चा 7.5 यानी बहुत होता है। और कैसी चीज़ों में गए होंगे ये भी आप समझ सकते हो, क्योंकि प्रॉपर जो करनी चाहिए एक्सरसाइज वो तो उन्होंने की नहीं है, बाकी इधर उधर ही खर्चा किया होगा सब दवाई में बाकी सब में। दवाई कोई इंजेक्शन बार-बार कोई कैल्शियम की गोली वो ही हमको साथ में। आपका जब कॉल आया तो मैंने बताया दोस्तों एक बात मुझे बहुत यानी पता नहीं बहुत अच्छी लगी कि मैंने जब बात की तो मैंने बोला कल मैं देखने आऊँगा तो उन्होंने कहा कल बहुत लेट हो जाएगा ऐसे। तो मुझे बोला क्या लेट हो जाए ऑलरेडी, फिर मैंने पूछा कितना टाइम होता है, बोले 1 साल के ऊपर यानी 1.5 साल होना है, एक दिन में लेट हो जाएगा फिर तुरंत ही यानी उनको सर ने बोला ना ऐसा हमको ऐसा ही जल्दी हो गया तो जल्दी आ जाए भाई तो अच्छा रहेगा, हमको प्रोसेस थोड़ी सी दिखा दे तो हमको अच्छा उम्मीद जग जाएगी ऐसा लगे हमको, इसलिए हमने जल्दी से भाई ने बोला दूसरे हमने पास में थे वो तो जल्दी आ जाओ तो अच्छा देर हो जाएगी। नहीं नहीं अब तो देर नहीं होगी ना, अब तो सब एक्सरसाइज का सब आपको मिल गया है कि भाई आप बस आपको बस मेहनत करनी है बस और कुछ नहीं है आपने। और जो मेहनत करूंगा इसका वीडियो भी बनाऊंगा आपके मोबाइल में व्हाट्सएप करके भी भेजूंगा मैं। क्या बात, एक टाइम टेबल बना देना। देखो अच्छा। टाइम टेबल आप कितना टाइम सुबह से जो भी आप कर रहे हो यानी पूरा रजिस्टर करना ताकि आगे जाके आप को समझ आए कि भाई कितना आप कर रहे थे किस तरह से आपकी रिकवरी आ रही है क्या क्या आ रही है। ठीक है, जो टाइम टेबल श्योर बनाना कि भाई कितना टाइम क्या क्या कर रहे हो, तो हम ये क्या है कि उस मसल्स के रिगार्डिंग आगे जाके हम जब उसका एग्जामिन करें तो आपको बता सके कि ये मसल अच्छे से आ गया तो इस पर आप ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, तो आपको समझ आएगा, तो कितना टाइम दे रहे हो वो भी बताना। ठीक है, अपने घर सामान सब आ गए अब तो खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ, अब आपसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अब सब साधन आ गए, सब साधन से अब मेहनत करनी है। हाँ, पूरा इस्तेमाल करेंगे पूरा साधन का और कसरत इतना ज़्यादा हम ज़्यादा से ज़्यादा 6-8 घंटे हम करेंगे। करनी चाहिए मेहनत, करेंगे करेंगे तो नहीं बोल रहे नहीं बोल के करेंगे करेंगे 100% करेंगे हम। अब तो मैं आपके पास ही खड़ू रहेंगे, काम भी घर के मैं करूँगी आपके पास ही खड़ू रहेंगे कसरत के लिए। 8 घंटे आपको करवाऊंगी मैं कसरत, अब करना पड़ेगा चलाने हैं आपको, खड़े करने का है बस। खड़ा भी होऊंगा, कसरत भी ज़्यादा करूंगा, कम से कम मेरे पैरों पे मैं खड़ा होना चाहता हूँ। अभी 1.5 साल मैंने ऐसा बिठाया है, मैं ये तो मेरा मन नहीं जानता है क्या करूँ मैं बाहर की दुनिया में देख सकूँ। मैंने भी बहुत तानी सुनी है लोगों की, अपने परिवारों के सब ससुराल वालों के, वो तो बोलने वाला बोलेगा एक दिन ऐसा आएगा ना उसको छप्पर फाड़ के हम जवाब देंगे। अपने पैरों पे खड़े होके मैं उसको भी बताऊंगा, आप तेरा जवाब मैं तेरे को सामने सामने बात आके तेरे को जवाब दूंगा मैं। ससुर और सास मेरे भी ऐसा बोलती है कि आप चली जाओ, क्या क्यों पढ़ रही है, आपका आदमी तो कमाता नहीं, किसके लिए पढ़ रही है, अब चली जाओ। अरे मैं किसका क्या आपके ऐसे ही फेंक के चली जाऊँ? अरे सबका टाइम आएगा एक दिन, ऐसा नहीं तो दिन नहीं आएगा। 90% तुम्हारा एक ही दिन मेरा होगा, 365 दिन तेरा होगा, 364 दिन तेरा होगा, 365 का दिन लास्ट में मेरा होगा। 1.5 साल तो तक मैंने मेहनत करके खड़े हो गए तभी ऐसा जवाब देगा ना? मेहनत करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत भी करूँगा, तेरी हेल्प मेरे को इतना मिला ना मैं तेरा शुक्रिया हूँ, तेरा ऐसा मैं ज़िंदगी में मैं नहीं भूलना चाहता। मेरे बच्चे लोगों ने मेरे को इतना सपोर्ट दिया है, मेरी वाइफ ने इतना सपोर्ट दिया है, मैं कुछ बोल नहीं सकता, इतना मेरे को मेहनत किया है मेरे पीछे, जब से कि हम अपने पैरों पे मैं खड़ा हो जाऊँ तब तक मेरा ये साथ छोड़ेंगे नहीं। नहीं हम तो खड़े करके छोड़ेंगे तो भी छोड़ेंगे नहीं हम आपको। नहीं आज तक मेरी ऐसी हालत हो गई, आज तक की लड़कियाँ जो शादी करके बैठते हैं लोग उसके घर में लड़के होते हैं जो इसका हिस्सा बन जाता है, कभी ऐसे प्रॉब्लम हो जाती मेरी तरह कई लोग की, उसकी लड़कियां जो शादी करके बैठी होती है उसकी जिंदगी है। हाँ, वो उसको आदमी के सामने देखती भी नहीं है। आज मेरी औरत मेरे को ऐसा नहीं किया है, मेरी औरत मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, तो मेरा इतना मेरा साथ दिया है 1.5 साल तक। आज लोग ऐसे लोग हैं ना तो उसको आदमी को छोड़ कर दूसरे आदमी के पास चले जाते हैं, पर मेरी वाइफ ऐसा नहीं किया है,
दो मेरे लिए और मेरे दो बच्चे के लिए उसका पूरा बलिदान दे दिया है, बहुत बलिदान दिया है। नहीं ऐसा नहीं तो मैं चाहता तो मैं उसका भी, उसके लिए मैं भी पैरों पर मैं खड़ा होकर मैं उसको भी दिखाऊंगा औरत को और दुनिया को भी दिखा दूंगा मैं। ओ इस जगत सराय में मुसाफिर रहना दो दिन का, इस जगत सराय में मुसाफिर रहना दो दिन का, क्यों वृथा करे गुमान तू रख इस धन और जो बन का, क्यों वृथा करे गुमान तू रख इस धन और जो बन का, ना ही भरोसा पलका, ना ही भरोसा पलका, यूं ही मर जाएगा, यूं ही मर जाएगा, दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला, की जिंदगी है दो दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी है दो दिन का मेला।